हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का 12:30 बज चुका है और अभी से अपना ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और आज के ब्लॉग वीडियो में क्या क्या है देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले सुबह का क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद फिर अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलो पहले सुबह का क्लिप देख के आइए। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह का बज गया है अभी 7:30। और अभी मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में आज बन रहा है रोटी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो हैवी नाश्ता बना लेते हैं ताकि खाना थोड़ा सा लेट बनेगा, इसलिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपना रोटी बना रही हूँ और बच्चे वहाँ पे अपना खेल रहे हैं। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आगे आपको बहुत ही अच्छा सा वीडियो देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आगे आपको मेरा बर्थडे था कल, तो उसमें क्या गिफ्ट मिला है वो सब मैं आपको आगे देखने को मतलब आगे दिखाऊंगी। तो बिना स्किप किए देखिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे देखो फटाफट से हमारा रोटी कितना मस्त फूल रहा है। तो अब मैं कुछ इस तरह से सेकने लगी हूँ, रोटी अच्छे से बन जाता है। पहले बिल्कुल भी गैस में इस तरह से मैं रोटी नहीं सेकती, डायरेक्ट तवे में ही सेकती थी, लेकिन अब गैस में देखो कितना मस्त फूला फूला बना है। और यहाँ पे हमारा रोटी अब फाइनल बन चुका है। मैंने बहुत सारा बनाया था, दिखाया आपको केवल 3 ही है। और यहाँ पे दोपहर के लंच के लिए मैंने अपना सोयाबीन भिगा दिया है। और ये रहा हमारा रोटी, और अभी बर्तन भी जमाना है। तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बन। मम्मी का है किसका? गिफ्ट और अभी देखो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, चावल और यहाँ पे सोयाबीन बन रहा है। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन का सिंपल सा भुंजिया बना रही हूँ, जिसमें यहाँ पे मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ, जिससे ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 5 बज गए हैं और अभी हम लोग सो के उठे, मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया है सो के उठे हुए, चाय वगैरह पी लिए हैं, मतलब 1 घंटा हो गया 4 बजे के लगभग उठे। बाहर का मौसम देखो एकदम तेज तेज मस्त हवा चल रहा है। चलते हैं अंदर। और सक्षम अपन्स ये हार गए, इसको हम दोनों पियेंगे, इसको भी हम दोनों पियेंगे, इसको हम दोनों पियेंगे, इसको मैं पियूंगी पियूंगा खाली। अब मैं किसको पियूंगी? तुम उसको उसको उसको। सो गाइस, चलो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है। उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बिलासपुर गई थी तब क्या शॉपिंग की थी, और अभी बीच में और कुछ कुछ मैंने शॉपिंग किया था जो मैं आपके साथ नहीं शेयर की थी। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ली हूँ। तो बिलासपुर गई थी तो सबसे पहले मैंने ये वाला चूड़ी लिया है, जो कि वेलवेट वाला है, लेकिन इस बार मैंने कांच नहीं लिया है, इस बार मेटल वाला लिया है। तो इस बार मेटल वाला लेके देखी हूँ, तो पहन लूँगी, उसके बाद देखूँगी कैसा है, अच्छा लगेगा ना तो फिर इसके बाद ना यही वाला लेंगे। तो फर्स्ट ये है, क्योंकि अभी बिलासपुर गए थे तब शॉपिंग किए थे, और बर्थडे गिफ्ट भी समझ सकते हो इसी को। और उसके बाद मैंने देखो अपने तो ये मेरा है, और ये देखो इसमें का एक सक्षम का और एक अंश का है ये। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा मैंने यहाँ पे मंगलसूत्र लिया पास। अभी शाम का टाइम है ना, तो अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र है, जिसको मैंने कल
अपने बर्थडे में पहना था शाम के टाइम केक कटिंग करने टाइम, तो उसका फोटो लगा दूँ कहीं कहीं आप लोग देखिएगा। इसके बाद हाल ही में मैं शादी में गई थी, तो जाने से पहले ना एक नेकलेस लिया था मीशो से लिया था इसको, ये देखो इसको भी मैंने हल्दी फंक्शन में पहना था येलो साड़ी के साथ, तो ये है, तो इसका भी फ़ोटो लगा दूँगी, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही सुंदर सा। ये इसके साथ एक ईयरिंग भी आया है, तो ये रहा इसके साथ दो छोटे छोटे ईयरिंग। तो ये हो गया। उसके बाद वट सावित्री के टाइम पे ना मैं एक रानी हार पहनी थी, तो आप लोग इसे भी मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ सकते हैं। ये इसका डिजाइन बहुत ही खूबसूरत सा है, ये देखो तो वट सावित्री के टाइम में फर्स्ट टाइम पहनी थी और उसके बाद फिर इस शादी में पहनी थी डायरेक्ट, शादी में गई थी, तो इसका चैन देखो बहुत ही सुंदर। और पहनने के बाद और भी सुंदर लगता है, चलो पहन के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर से कहाँ गए, ये देखो ये जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, सेल्फी स्टिक, इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और इसको भाई ने दिया है, किशन ने, तो उस टाइम पे जब वो लोग दिए थे ना मेरा बर्थडे के दो दिन या फिर हाँ 2-10 तारीख को आए थे शायद, तब वो लोग लेके आए थे। और उसका छोटा सा क्लिप है जिसको मैं अभी यहाँ पे आके लगा दूंगी, तो आप लोग देखिएगा बहुत ही सुंदर सा। और एक लास्ट में फाइनल गिफ्ट अपना दिखाती हूँ जो मुझे इन्होंने दिया है, तो चलो दिखाते हैं अपना ये देखो ये देखो ये फोटो ना हमारे पिछले साल, मतलब मेरे पिछले साल के बर्थडे के दिन हम लोग क्लिक करवाए थे, बहुत ही सुंदर आ रहा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था और मुझे इसको ना निकलवाना भी था, तो ये मुझे निकलवा के दिए थे इसको अच्छे से। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा बर्थडे गिफ्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।